नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। कोरोना की दूसरी लहर को कम हुए अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है और ऋषिकेश में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार से चारधाम यात्रा खोलने की मिन्नत कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन और व्यवसाय को लेकर भी चिंता जाहिर की है। इसी के साथ में चारधाम यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि केस कम हो रहे हैं, इसलिए यात्रा को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोरोना ने लोगों की रोजी रोटी छीन ली, व्यापारियों को भी राहत देने के लिए काम किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दिन पहले एक चिट्ठी भी लिखी कि जो हमारी यात्रा है, जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हो गया उनके लिए हमको इस यात्रा को ओपन कर देना चाहिए, और जो हमारे पंडे पुरोहित हैं अगर उनमें से किसी का डबल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उनको वैक्सीनेट कर देना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, ताकि जो हमारी यात्रा है, देखो हमारी यात्रा का सीजन कम पड़ना है। जुलाई से तो वैसे ही बारिश के कारण 25 जून के बाद वैसे ही बहुत कम हो जाती है, तो अगर हम 10-15-20 दिन अगर यात्रा को खोलते हैं और जो वैक्सीनेशन जिनका डबल हो चुका है तो उससे एक तो लोग जो ईश्वर के प्रति आस्था है, विश्वास है, उनका विश्वास वो अपना वहाँ पर बंधन करना चाहते हैं। भाद्राबाद में इन दिनों सरकारी अनाज के गोदामों से निकलने वाले अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। अनाज को गोदाम से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के बजाय बाहर ही प्राइवेट आटा चक्की व अनाज के व्यवसायियों को बेचा जा रहा है, जिसके चलते जो अनाज गरीबों के लिए आया वह गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा। अनाज के इस काले खेल में कहीं ऐसे रसूखदार लोग भी शामिल हैं जिनकी साठगांठ से सारा गोरख धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है। वहीं अनाज की कालाबाजारी पर एसडीएम हरिद्वार गोपाल सिंह चौहान के संज्ञान में मामला आते ही उनके द्वारा मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही गई है और जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। लालकुआ में एक तरफ कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, वहीं पर कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की अपील भी की जा रही है। लालकुआ के बिंदु खत्ता क्षेत्र में 3-3 दिनों का कैंप लगाकर वैक्सीनेशन सेंटर जगह जगह चलाए जा रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र की समस्त जनता तक वैक्सीनेशन का काम पूरा हो सके। यहां पर पहुंचे किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा है कि सरकार निरंतर ही वैक्सीनेशन का काम कर रही है, लगी हुई है। सरकार जनता तक वैक्सीनेशन को पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर भी लगाए जा रहे हैं। हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा किसान मोर्चे को एक कार्य दिया गया है कि जितने वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन सारे वैक्सीनेशन सेंटरों में किसान मोर्चा हेल्प डेस्क लगाएगा पूरे देश में, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हमको निर्देशित किया गया, और आज हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है और हमारे किसान मोर्चे के मंडलों के अध्यक्ष कार्यकर्ता इतने हैं कि वह पूर्ण सेवा भाव के रूप से जो है लगातार हेल्प डेस्कों को लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और सब लोग वैक्सीन के प्रति जो है जागरूक हों, सब लोगों को जागरूक करना है और वैक्सीन लगानी है, और इसलिए हम सब लोग लगे हैं। सेवाई संगठन 2 के तहत पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम सब लगे हुए हैं। अभी पूरे हमारे जो किसान मोर्चे के पूरे देश के अंदर किसान मोर्चे को काम मिला कि जो कि हम वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर हेल्प डेस्क लगाएंगे, और हमारे किसान मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर हर जगह हेल्प डेस्क लगाई जा रही है। लोगों की सेवा भावना से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। मैं यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं कमल मुनि जोशी जी, उनको बधाई देता हूँ, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। उनका जो कार्य बहुत सराहनीय कार्य मैंने देखा है, पूरे जिले के अंदर हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, वो एक बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। मसूरी में होटल एसोसिएशन द्वारा होटलों में कार्यरत कंपनियों जो कर्मचारी हैं उनके लिए टीकाकरण का काम किया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कोरोना काल में बहुत सारी संस्थाओं में लोगों की मदद की गई है और गरीब लोगों को राशन बांटा गया है। गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले ना के बराबर रह गए हैं, साथ ही तीसरी लहर में सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। इसी के साथ में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। के खिलाफ लड़ाई में हर एक अपना योगदान दे रहा, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, पत्रकार हो, सफाई वाला हो, पुलिस वाला हो, हर व्यक्ति इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहा है।
इसलिए हम आपने देखा होगा कि एक बार आज भी तो कभी तो करे सरकार के जो मामले सामने आ रहे थे आज ना के बराबर हैं और धीरे धीरे लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। और तीसरे फेज की भी हमने पूरी तैयारी की है। कल ही मैंने जिलाधिकारी और अधिकारियों की बैठक ली थी कि थर्ड फेज अगर आता है, जैसा कहा जा रहा है कि बच्चे बढ़ते से बढ़ेगा, हमने सुनिश्चित किया है कि थर्ड फेज आता है। कलियर के बेटपुर गांव में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है और मिट्टी के इस अवैध खनन से माफियाओं का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। आरोप है कि खुदाई की परमिशन की आड़ में ये काम किया जा रहा है और खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लगाई जा रही। कहा यह भी जा रहा है कि खनन अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि डीएम इस मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द अवैध खनन के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। कलियर में नगर पंचायत में बढ़ते हुए मक्खी और मच्छरों के प्रकोप के चलते नगर निगम की टीम ने कई जगहों पर दवाइयों का छिड़काव किया है। दवाइयों के छिड़काव को लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने कहा है कि कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। साथ ही कलियर में बारिश होने से मक्खी मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। मच्छरों के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए लोगों के बचाव के लिए कई इलाकों में दवाइयों का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। आज हमारे नगर पंचायत के अंदर जैसे कि बारिश होने से मच्छर और मक्खियों का ज़्यादा वो बढ़ गया है, तो हमारी नगर पंचायत से सैनिटाइज़र और मक्खी और मच्छरों की दवाई का ज़्यादा तेज गति से छिड़काव कराया गया है, क्योंकि हमारे वार्ड मेंबर और जितने भी थे उन सब की शिकायत आई और पत्र दिया गया कि जी मक्खी और मच्छर का ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे परेशानी हो रही है हमारे नगर पंचायत के वासियों को। तो हमने तुरंत बोल दिया कि भैया इसको। लालकुआ के रिहायशी इलाकों के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहरीले सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। निकटवर्ती क्षेत्र में पुराने बिंदु खत्ता स्थित एक घर से दो लंबे लंबे सांप निकले हैं। सांपों के निकलने पर इलाकों में हड़कंप मच गया है। इसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी है। सूचना मिलते ही वन विभाग की जो टीम है वो पहुंची है मौके पर। सांपों का रेस्क्यू किया गया है, उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। लालकुआ में एक युवक को अपने मृत परिजन को जीवित दिखाना काफी ज्यादा महंगा पड़ गया। दरअसल राकेश अग्रवाल नाम के युवक ने साल 2015 में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के साथ में मिलकर कुछ गलत तरीके से नामांतरण किया था भवन का और लालकुआ के वार्ड नंबर 3 जवाहर नगर निवासी सतीश कुमार ने ही यह आरोप लगाया है कि उनके मृत दादा को जीवित दिखाते हुए गलत तरीके से भवन कर नामांतरण करवा दिया गया है। फिलहाल इस मामले में थाने में तीनों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। ऋषिकेश में सालों से बंद पड़े IDPL के ऑक्सीजन प्लांट को सेना के इंजीनियरों द्वारा कड़ी मेहनत के बाद में शुरू कर दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इंजीनियरों की टीम का फूल मालाओं के साथ में सम्मान किया है। इंजीनियर्स को सम्मानित करते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि IDPL ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने का श्रेय केवल सेना के जवानों को ही जाता है और काफी मेहनत के बाद में सेना के लोगों ने इस प्लांट को शुरू करने में सफलता हासिल की है। फौज के जिन लोगों ने असंभव काम को संभव करके दिखाया, ऐसे लोगों को सैल्यूट करने के लिए आया हूँ, इनका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, इनका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। क्योंकि ये बात सच है कि शुरुआती तौर पर तो लग ही नहीं रहा था कि हम इस काम में हम सफलता हासिल कर पाएंगे। IDPL प्रशासन द्वारा कही दिया गया था कि 15 साल पहले ये बंद हो गई, कब ये इस्टेब्लिश हुई थी, 15 साल तक तो इसमें जंग खा गया होगा, ना कोई स्पेयर पार्ट्स मिलेगा, ना इसको चलाने वाला कोई मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद जब फौज ने अपने हाथ में इस काम को लिया, लेकिन आप देखिए आज हम ये बात बड़ी खुशी से कह रहे हैं कि हम जो औपचारिकता है उसकी पूरी करके और इस ऑक्सीजन प्लांट का अब उद्घाटन भी हम
कोरोना काल में बाजार खोलने के लिए छूट नहीं मिलने से व्यापारी भड़क गए हैं। ऋषिकेश में व्यापारियों ने त्रिवेणी घाट चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सरकार व्यापारी हितों के लिए गंभीर नहीं है। लगातार व्यापारियों की मदद के स्थान पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आगे व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अभी भी सरकार ने व्यापारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो ये सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऋषिकेश में कर्फ्यू के बीच में राहत नहीं मिलने से नाराज निजी परिवहन व्यवसायी आक्रोशित हैं। गुस्साए निजी परिवहन व्यवसायियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों का पर ध्यान नहीं दे रही है, मान नहीं रही है, तो वो नो रिलीज नो वोट की तर्ज पर अब आंदोलन करना शुरू करेंगे। इस मामले में उन्होंने एक विज्ञापन भी मुख्यमंत्री को भेजा है। परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय नीति परिवहन कारोबारियों के तहत एआरटीओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि निजी परिवहन व्यवसाय से तकरीबन 10 लाख परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से ये व्यवसाय अब रसातल में पहुंच गए हैं, जिससे कि वाहन स्वामियों और चालक व परिचालकों के सामने भुखमरी की नौबत आ खड़ी हुई है। ये आप सबको पता है उत्तराखंड में कोरोना काल के कारण जो है चारधाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई है। हम लोगों का विगत वर्ष से ही, पिछले साल भी 2020 में भी चारधाम यात्रा पूरी तरह प्रभावित हुई थी और इस वर्ष भी चारधाम यात्रा का संचालन नहीं हो पा रहा है। तो हम विगत वर्ष से हम लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि कोरोना काल के कारण जो भी आर्थिक हानि हमारे चालक परिचालकों को वाहन स्वामी भाइयों की हुई है तो वो फौरी राहत के तौर पर कुछ ना कुछ व्यवस्था करें, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई भी ऐसी राहत पैकेज की घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई है। हमारा जो आंदोलन चल रहा है नो रिलीफ नो वोट के तर्ज पर चल रहा है। अगर सरकार हमें रिलीफ नहीं देती है तो हम सरकार को वोट नहीं देंगे और नो टैक्सेशन विदाउट सॉल्यूशन ये हमारा नारा होगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव से अपहरण की गई किशोरी को पुलिस ने लुधियाना से बरामद किया है। किशोरी को बरामद करते हुए पुलिस ने सफलता हासिल की है। टीम ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों को बरामद कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में कुछ लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। हमारे पास एक वाले द्वारा जो है लिखित तहरीर दी गई कि उनका बेटी, उनका उम्र 14 साल है, वो मिसिंग है करके तत्काल रूप से जो हमने 365 में मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर रहे थे, इसमें कल हमें सफलता मिली। ये लड़की जो हमने सब कुशल बरामद कर दी और इसका मामला ऐसा निकल के आया कि लड़की को किसी लड़के के साथ जो प्रेम प्रसंग का मामला था, वो लड़का जो है महाराष्ट्र में जो है गुड़ का चक्की में काम करता है, तो इन्होंने इनका दोस्त को बताया कि उस लड़की को ले आओ। वो लड़का जो है, जो इनका दोस्त है, देवबंद में रहता है, तो जबरड़ा में दो लड़के के माध्यम से जो है इनका जो है उनके दोस्त के पास पहुँचा गया है। उनका दोस्त ने जो है उनका वहाँ से जो है दिल्ली लेके गए थे। दिल्ली से जो है किसी कारण से जो है लड़का जो है लड़की को अपने साथ लेने गया। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में एक कंपनी के बाइक शोरूम में अचानक आग लग गई। आग लगने से शोरूम में रखी हुई कई बाइकें जलकर खाक हो गईं। भयानक आग को देखते हुए लोगों ने दमकल विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने भारी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया है। करीब 200 बाइक को जलने से बचा लिया है। घटना में अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। तो बाइक शोरूम में अचानक आग लगी है और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से कई बाइकें जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया और कई बाइकें ऐसी रहीं जिनको बचा लिया गया है सुरक्षित। हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो काफी मुश्किल से 2 या 3 बाइकें चली हैं और बाइकों को जो है 150-200 बाइकों को बचा लिया है। कितने का नुकसान हुआ लगभग? नुकसान तो अभी मालिक द्वारा अभी विवरण दिया नहीं है, अभी संभव तो लाखों का नुकसान काबू पा लिया आपने। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग ने विधायक हाजी फुरकान अहमद के आवास कैंप कार्यालय लगाकर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया। इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने की कोशिश की जा रही है। विधायक हाजी फुरकान ने कहा है कि सभी लोग टीकाकरण जरूर करवाएं, साथ ही जनता से अपील की है कि अपनी व अपने परिवार की हिफाजत के लिए कोविड की वैक्सीन जरूर लगवाएं।
इस महामारी से हम सबको साथ मिलकर लड़ना है। इस दौरान उन्होंने शिविर लगाने पर स्वास्थ्य कर्मियों और पदाधिकारियों की प्रशंसा भी की है। सितारगंज में व्यापार मंडल ने मुख्य चौराहे पर अर्धनग्न होकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता के नेतृत्व में थाली और ताली बजाकर राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर व्यापारी हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई तो 9 जून से पूरा बाजार खुलवाया जाएगा। इस ऐलान के दौरान महामंत्री, कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ समाज सेवी समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। व्यापारी एक उपभोक्ता है जो कि टैक्स भरता है अपनी सरकार चलाने के लिए, टैक्स सही होते सरकार को अपने सरकार चाहिए अपने टैक्स चलाने के लिए। उसके बाद व्यापारी को परेशान किया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा। जैसे हमारे पड़ोसी प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, यहाँ पर हमारे उत्तराखंड सरकार ने अभी तक वो भी ऐसे अनलॉक की प्रक्रिया चालू नहीं करी है। वहाँ पर 7 से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का बाजार खुलने का समय दे दिया जा चुका है, पर यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे बाजार खुलने को। व्यासी बांध परियोजना से जुड़े हुए निर्माण कार्य बंद करने के बाद भी लोहारी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके विस्थापन की मांग पूरी होने पर ही धरना समाप्त करेंगे, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा। आज तीसरे दिन भी समस्त गांव वाले अपने परिवार समेत धरना स्थल पर डटे रहे और सरकार और जल विद्युत निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करते रहे। ग्रामीणों का पूरा ध्यान जो है इस बात पे है। बावजूद इसके अभी तक लोहारी के ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन आवंटित नहीं की गई है, जबकि सरकार ने प्रभावित परिवारों को नौकरी देने एवं 15 दिन के भीतर ही विस्थापन का आश्वासन दिया था। अभी तक परियोजना के तहत परिवारों को रोजगार मुहैया नहीं हो पाया है। क्षेत्र के यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की जो व्यासी जल विद्युत परियोजना है उसका काम लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। अब मात्र 10% काम ही होना बाकी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बांध में जो प्रभावित हैं लोग हैं, लोहारी गांव के जो प्रभावित लोग हैं, जिन लोगों के गाँव जल जंगल सब जो है एक दिन जो है इस परियोजना से डूब क्षेत्र में डूब जाएगा, उनको चिंता है अपने गांव की, अपने विस्थापन की। आइए जानते हैं उन लोगों से कि वो लोग धरने पे बैठे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलता हूं कि जरा दिखाइए, ये जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सब परिवार सहित यहां पे बैठे हैं और इनको चिंता है अपने विस्थापन की। सरकार अभी तक इनका विस्थापन नहीं कर पाई है। महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का विस्थापन ये चाहते हैं, सरकार ने इनका विस्थापन क्यों नहीं किया है। मैं राजेश चौहान बोल रहा हूँ लोहारी से। हम धरना प्रदर्शन में यहाँ ब्यासी बांध में बैठे हुए हैं और प्रशासन से एक दिन पहले दिन इनके डायरेक्टर साहब आए थे यहाँ पर और उनसे हमने पूछा तो उन्होंने यहाँ कोई भी आश्वासन हमको दे नहीं सके। और SDM विकास नगर कल भी आए थे और वो भी कोई आश्वासन हमको दे नहीं सके। कहते कि हम अपने ऊंचे स्तर पे बात करेंगे। जब ऊंचे स्तर पे ये बात करेंगे तो यहाँ काय के लिए आए हैं? हमारा विस्थापन चाहते हैं। हम तो ये चाहते कि हमको विस्थापित किया जाए, हमें जमीन के बदले जमीन दिया जाए, हमें गाँव बसाए जाए और जितने नौजवान लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं इनको नौकरी दी जाए, बेरोजगार आदमियों को। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कोई भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। और जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, विकास नगर विधानसभा, चक्रोता विधानसभा और प्रमुख जिला पंचायत सदस्य, कोई भी यहाँ अभी तक नहीं आया, एक भी नहीं। वोट मांगने के लिए यहाँ आते हैं हमारे पास लेकिन जनता के बीच में नहीं आते हैं। इस बार इनको हम सबक सिखाएंगे और जितनी जनता यहाँ बैठी हुई है इस बार इनको सबक सिखाएंगे। हम लोग एक दिन भी नहीं आए यहाँ पर, वोट मांगने के लिए आते हैं तो ये जनता का क्या विकास करेंगे? यहाँ पर 6 साल हो गए यहाँ पर। सचमुच लोगों के अंदर गुस्सा है और अपने विस्थापन की चिंता है। इतने साल होने के बावजूद भी इन लोगों का विस्थापन जो है सरकार, उत्तराखंड सरकार नहीं कर पाई है। अब देखना है कि आने वाले समय में जो 10% काम जो है होना है और आने वाले समय में यहाँ पे जो है बांध का रूप ले लेगा यहाँ पे,
लेकिन अब देखना है कि आने वाले समय में सरकार इन लोगों का विस्थापन करती कि नहीं, ये आने वाला समय। कलियर में पुलिस ने बिना अनुमति काटे गए आम के पेड़ की लकड़ियों के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने बताया कि चेकिंग के दौरान में कलियर चौक से नहर के पास में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली में लदे हुए बिना अनुमति काटे गए लकड़ियों को बरामद किया गया है, साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कहते हैं कि एक इंसान अगर ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। लालकुआ में भी दिव्यांग ने अपने हौसलों की मिसाल पेश की है। दिव्यांग शंकर लाल ने गरीब असहाय लोगों की मदद की है। कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने विकलांग महिला को ट्राई रिक्शा दिया है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी दिव्यांग कल्याण समिति पिछले 3 सालों से लगातार क्षेत्र में काम कर रही है और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि जो काम सरकार के प्रतिनिधियों को करना चाहिए वो काम उनकी समिति द्वारा किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी शराब तस्कर बेखौफ होकर तस्करी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अवैध शराब के खिलाफ पुलिस अभियान भी चला रही है। इसके तहत मुखानी चौराहे पर आज चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 12 पेटी अवैध शराब बरामद की। शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार में पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही कार में लगे हुए पुलिस के स्टिकर की जाँच की है कि ये स्टिकर इस कार में कैसे लगाया गया और इन तस्करों के पास ये कहाँ से आया। क्षेत्र का है, 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, 12 पेटी हैं जो अंग्रेजी शराब है और इसको स्विफ्ट वाहन में ले जाया जा रहा था। तीनों लोगों को 60/72 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त पंजीकृत करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस का जो स्टिकर लगा है उसकी जाँच करी जाएगी। हाँ, इसमें भी जाँच की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि इस ढंग का स्टिकर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ये चीज़ इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं तो इसमें भी संबंधित धाराओं में। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।